हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं सागर आपका डिजिटल जोन में स्वागत करता हूं। अच्छा बच्चों, आज जो वीडियो है ना उसमें आपका एक टेस्ट भी है और कुछ मैं आपको ऐसा बताने वाला भी हूं जिससे आपकी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी मिसरिंग में और स्पेलिंग टेस्ट में। ठीक है, स्पेलिंग जो आप एरर कर देते हो ना, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि आप एरर कहाँ पर कर देते हो, क्यों आपकी एक्यूरेसी नहीं आ पाती है। आप कभी भी अगर स्टेनोज देख के आप टाइप करते हो तो कई बार ना आपकी एक्यूरेसी नहीं आ पाती है। मैं कई बार चेक करता हूँ, टेस्ट चेक करता हूँ, तो मुझे जो मेजरली जो प्रॉब्लम्स मिलती हैं, जो मिस्टेक्स मिलती हैं, तो मैं आपको वहाँ पे आज डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ नीचे एक रेड कलर का सब्सक्रिप्शन लिखा होगा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन आएगा तो उस पर क्लिक कर देना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपको वीडियोज़ ना दिखें वो। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना, कोई भी इसमें चार्जेस नहीं है। ओके, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे कि आप जानते हैं कि टेस्ट में आप सबसे ज़्यादा एरर कब कर देते हैं। सबसे ज़्यादा आप एरर करते हैं, आप पूरी लाइन मिस कर देते हैं। आप जब भी आप स्टेनो लिखते हैं तो आपके पास में मान लीजिए 10 लाइन है, आपने पहले लाइन टाइप करी, दूसरी टाइप करी, तीसरी टाइप करी, फिर उसके बाद आप क्या करें, आप पाँचवीं लाइन पर आ गए, तो ये पूरी लाइन मिस्टेक जब हो जाती है तो हमारा एक वर्ड का एक एरर काउंट हो जाती है, तो उससे काफ़ी हमारी मिस्टेक्स बढ़ जाती हैं। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, स्टार्टिंग की 3 लाइन दिखनी है। ठीक है, उसके नीचे आप स्केल रख दो, तो कुछ पेपर रख दो। ठीक है, आपका नीचे कुछ दिखाई देना नहीं चाहिए। 3 लाइनें आपने लिख ली है, टाइप कर ली, उसके बाद में फिर आप नीचे की 3 लाइनों पर आ जाओ। ठीक है, मतलब 4, 5, 6 वो आपको दिखाई देनी चाहिए, फिर आप वो टाइप करो। इस तरह से आप 3-3 लाइनें नीचे से करके आओगे, आपकी लाइन मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, दूसरी वहाँ पे बात आते हैं, आप जो मोस्टली मिस्टेक जो करते हो ना, यहाँ पे वर्ड कर देते हो कि आपकी वर्ड जो है बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। ओके, जैसे मैं आपकी बात करूँ, जैसे प्रोवाइड है और प्राइवेट है, ऐसे कई तरह के वर्ड हैं जहाँ पे आप ना बिल्कुल गलत कर देते हो। ठीक है, आप वर्ड ही चेंज कर देते हो। ठीक है, क्योंकि सेम दिख रहा है लेकिन आपको को समझ रहा है ना, यहाँ पे इस चीज़ को आप कैसे कवर करोगे, आप सेंटेंस को रीड करो। इसका एक ही तरीका है, आप सेंटेंस को रीड करो कि आपको लगता है कि यहाँ पे प्रोवाइड वर्ड आना चाहिए या प्राइवेट वर्ड आना चाहिए। सेंटेंस रीड करोगे, सेंस से आप समझ जाओगे। ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इजिली समझ जाओगे कि यहाँ पर क्या वर्ड आएगा। ओके ओके, दूसरी यहाँ पर बात करते हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स। कई ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जिसके आप स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हो। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हो एग्जैक्टली, यहाँ पे जो स्पेलिंग होनी चाहिए जरा सी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, आपके हाफ एरर काउंट हो जाती है। जानते हैं इस चीज़ को। अच्छा, आपको इस चीज़ पे कैसा वर्क करना है, आपको डेली के यहाँ पे 10 वर्ड लेने हैं। ठीक है, या 5 वर्ड लेने हैं, डेली के 5 वर्ड लो, आप उनकी स्पेलिंग को आप डिक्टेशन लो या तो। ठीक है, और उन वर्ड्स की डिक्टेशन जैसे बचपन में क्या करते थे ना, वैसे डिक्टेशन लीजिए, उसको आप स्टेनो में बनाओ, फिर इसको इंग्लिश में लिखो। ठीक है, देखो स्पेलिंग, देखो कितनी सही आ रही है आपकी। अच्छा, एक छोटा सा यहाँ पे टेस्ट है, 3 चीज़ें मैंने आपको डिस्कस करी हैं, इसको मैं ब्रीफली और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा आपको। ठीक है, अगर आपको इस चीज़ में तीनों चीज़ों में अगर प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ देता हूँ, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक छोटा सा यहाँ पर टेस्ट है आपके लिए, आप इस टेस्ट को देखेंगे। ओके, अब मैं आपको कुछ यहाँ पर वर्ड्स बोलूँगा। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, एक नोटबुक लेनी है और एक पेन लेना है। अभी आपके पास में अगर नोटबुक और पेन नहीं है तो आप अभी इस वीडियो को पॉज कर दें इस टाइम पे। ओके, अभी पॉज करेंगे एंड उसके बाद जब आप नोटबुक लेकर पेन ले लेते हैं तब उसको स्टार्ट करेंगे फिर से। ठीक है, और फिर आप, मैं कुछ वर्ड्स आपको बोलूँगा, कुछ ऐसे 10 वर्ड्स मैं आपको बोलूँगा, आपको उसको शॉर्ट हैंड में लिखना है, शॉर्ट हैंड में लिखना है कॉपी में। ठीक है, कॉपी में लिखेंगे और जब वो 10 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके सामने आप उसको इंग्लिश में लिखोगे। ठीक है, ठीक है, इंग्लिश में लिखा आपने, अब फिर मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा वो सारे वर्ड्स की स्पेलिंग्स, आप उसको मैच करोगे आपके कितने यहाँ पे एरर्स कितने ठीक हैं और कितने यहाँ पे वर्ड एग्जैक्टली ठीक हैं आपके। आपके जितने मान लीजिए 10 में से अगर आपके 5 ठीक हैं तो आप कमेंट क्या करेंगे, 5, ठीक है, 6, 8, जितने भी आपके मार्क्स हैं आप जनरली बताएंगे, क्योंकि अगर आप गलत बताएंगे तो आप पे फ़र्क पड़ेगा, मुझे या किसी को नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपको अगर अपना लेवल पता लगेगा कि आपकी मिस्टेक्स आ रही हैं तो आपको और मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा करने के लिए, जब नेक्स्ट टेस्ट होगा तो मुझे यहाँ पर 10 बाय 10 लेके आने हैं। ठीक है, तो छोटा सा टेस्ट है यहाँ पे, चलिए आपने नोटबुक एंड पेन ले लिया होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको यहाँ पे वर्ड्स बोलने वाला हूँ कुछ, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। ओके, फर्स्ट एकोमोडेशन, सेकेंड मिलेनियम, थर्ड टुमारो, फोर्थ क्वेश्चनेयर, 5 एम्बेरस, 6 हियरार्की, 7 अक्रेंस, 8 मिसलिनियस, 9 अटेंडेंस, 10 एक्वांटेंस। एक बार मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, एकोमोडेशन, मिलेनियम, टुमारो, क्वेश्चनेयर, एम्बेरस, हियरार्की, अकरेंस, मिसलिनियस, अटेंडेंस, एक्वांटेंस। ओके, तो अभी आपने वर्ड्स लिख लिए होंगे, आपको करना क्या है, इसको आपको
आगे यहाँ पे क्या करना है, इसके आगे आपको इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। जब आप इंग्लिश में कंप्लीट करके लिख लेंगे, अभी इस वीडियो को पॉज कर देना, ठीक है, क्योंकि इससे अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाने वाला हूँ उनकी वो स्पेलिंग्स, ठीक है। इंग्लिश में लिखने से पहले आपको वो नहीं देखनी है, ठीक है। पहले आपने जो शॉर्टन लिखी है उसके सामने आपको उसकी इंग्लिश लिखनी है, एग्जैक्ट स्पेलिंग लिखनी है, उसके बाद मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ इसकी अगली स्लाइड, ठीक है। जब आपने देख, अगर आपने अभी तक यहाँ पे लिख लिया है इंग्लिश स्पेलिंग्स, तो आप इसको रिज्यूम करें वीडियो को, ठीक है। अब देखिए आपके पास में सामने कुछ वर्ड्स हैं, एकोमोडेशन आपके पास में सारे यहाँ पर 10 वर्ड्स हैं जो मैंने आपको लिए बोले थे। अब आपको सारे मैच करने हैं, चेक करने हैं और देखने कितने आपने एग्जैक्ट सही आपने स्पेलिंग लिखी है। आपको पता लगेगा आपका लेवल कितना आ रहा है, 10 में से आपके कितने मार्क्स अगर आ रहे हैं, कितने आपने ठीक करें, आपको कमेंट करना है, ठीक है। अपना नेम, अपने करेक्ट आंसर कितने हैं, ठीक है, और आपके वीक पॉइंट जो है वो आप कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी अगर क्वेरी है जो मुझसे बात करना चाहते हैं, अगर आप इससे रिलेटेड कोई कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप मुझे क्या करेंगे, व्हाट्सअप कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा व्हाट्सअप का, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं कोई भी क्वेरी के लिए, ठीक है। तो चलिए, आई थिंक आपके लिए वीडियो अच्छी रही होगी एंड आपका वीडियो पसंद आती है। अगर आप ऐसी और वीडियो चाहते हैं और तो मैं आपके लिए काफ़ी जल्दी लेके आऊँगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा टेस्ट देने होंगे, ठीक है। टेस्ट देना होगा, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नए वीडियो में, गुड बाय दोस्तों, लव यू ऑल।